कि यहाँ पर यूरिया खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के चलते किसान परेशान हो रहे हैं। किसान यूरिया खाद महंगे दामों में खरीदने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पुलिस और कृषि विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में यूरिया खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ करके निजी दुकानदार यूरिया खाद उपलब्ध करा रहे हैं। दुकान में लगाए गए सूचना बोर्ड में खाद की कीमत दर्ज नहीं की गई है। किसानों ने यूरिया खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। तो बहुत हो रही सर, यूरिया मिल ही नहीं रहे ना, यहाँ नहीं मिल रहा ना, सोसाइटी में मिल रहे हैं, तो दिक्कत तो किसान लोग का हो गया ना। सोसाइटी आपका कौन सा सोसाइटी? सोसाइटी लाला कपा, वहाँ भी दो ढाई महीना हो गया है ही नहीं है वहाँ खाद। बहुत बड़ी दिक्कत सर, किसान लोग एक दो महीने से घूम रहे हैं, लगभग एक महीना हो गया तो पूरा। कमेटी में क्या स्थिति है? कमेटी में मेरे को मालूम नहीं है, बाकी वहाँ भी नहीं मिल रहा ऐसा सुनाई दिया मेरे को। काल पड़ गया किसान, हम लोग 5 बोरी जरूरत, 6 बोरी जरूरत, एक बोरी खातू नहीं मिल सक रहा है, 1 बोरी 2 बोरी मिल रहा है, कौन किसान छिटेंगे, क्या करेंगे, 1 बोरी 2 बोरी कौन लोग उठाएंगे। घूमा 2 महीने हो गए घूम रहे हैं खातू के लिए। दुकानदार लोग कीमत से अधिक कहीं ज्यादा रेट में बेचने का ऐसा सुनने में आया था, कृषि विभाग को शिकायत मिल रहा था बार बार, इसलिए कृषि विभाग हमारे जितने आरियो हैं, जितने खाद को भंडार दुकान है, उसमें आरियो का ड्यूटी लगाया गया है कि वहाँ खाद को अधिक मात्रा में ना बेचे। ये नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी का सैंपल नहीं लिया ना अभी कल जो आया, हर लाट का कोई नहीं लेता, नहीं ले सकता है, तो ये हम लोग प्रॉपर वे में उन्हीं के समक्ष वितरण कर रहे हैं और किसान काफी संतुष्ट है। और इसी के साथ